आज हम बात करने वाले हैं एमजी ग्लॉस्टर टॉप वेरिएंट के बारे में, सो कीप वॉचिंग। सो ये गाइस, मेरा नाम है अभिनव गर्ग और कैमरे के पीछे आता श्रीवास्तव। और बहुत दिनों बाद हम लोग जो है वापस शूट करने आए हैं। और पहली जो हम यहाँ पे अब आज शूट करने वाले वो है एमजी ग्लॉस्टर, जो कि और हम इसका जो टॉप वेरिएंट जो है यहाँ पे शूट करने वाले। पहले सबसे पहले हम हेडलैम्प वगैरह के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पे जो है हमें फुल एलईडी सेटअप हमें देखने को मिल जाता है। ये ऊपर जो है आपको एलईडी डीआरएल देखने को मिलता है, और ये जो है आपको बाकी जो नॉर्मल हेडलैम्प है हाई बीम लो बीम वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। ये वाइट टोन की जगह जो है हल्की से ब्लूइश पर्पलिश टोन में आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे जो फॉग लैम्प्स हैं वो जो है वो हैलोजन है, जो कि थोड़ा एक एक प्रीमियम गाड़ी के हिसाब से 41 लाख रुपीज़ ये वाला टॉप वेरियंट कॉस्ट रहता है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये एलईडी देते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। ग्रिल जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी है यहाँ पे हमारे पास, ब्रश एल्यूमिनियम में हमें जो है वो ग्रिल देखने को मिल जाती है। प्लस यहाँ पे क्रोम लाइनिंग जो है वो बहुत ही जगह हमें देखने को लगती देखने को मिलती है। एमजी का बड़ा सा लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमें, और नीचे जो स्किट प्लेट है ये हमें जो है यहाँ पे क्रोम कलर में देखने को मिलता है। और बड़े बड़े एयर ड्रैम्स वगैरह देखने को हमें इसमें आराम से मिलने वाले हैं। अगर मैं एक बार आपको इंडिकेटर्स वगैरह जला के दिखाऊँ, तो इंडिकेटर्स कुछ ऐसे जलने के दिखने वाले हैं। ऑफ कोर्स आपको जो है वो टर्न इंडिकेटर मतलब टर्न इंडिकेटर्स जो है वो आपको एलईडी डीआरएल में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको ये स्वाइप इंडिकेटर्स देखने को नहीं मिलते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसका फटाफट इंजन खोल लूँ, इंजन बे खोलने के लिए यहाँ पे जो है हमें प्रॉपरली लिवर दिया गया है और डिनोट किया गया है। और इसको खोलने का जो तरीका है, ओके, इसमें ये लिवर है जिसको आपको राइट की तरफ प्रेस करना है और ये खुल जाएगा। आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि प्रीमियम कार है। एमजी का ट्विन टर्बो इंजन इसमें हमें देखने को मिलता है, जो कि 2 लीटर्स का ट्विन टर्बो इंजन है, यानी कि 2 टर्बो चार्जर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। 218 हॉर्स पावर और 480 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये पर्टिकुलर वेरियंट जो ट्विन टर्बो वाले इंजन आते हैं। जो बेस मॉडल है उसमें ट्विन टर्बो की जगह सिंगल टर्बो इंजन इसमें हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें इंसुलेशन देखने को मिल जाती है, प्लस इसमें जो हमें हीट इंसुलेशन भी देखने को वहाँ पर मिलती है, और हाइड्रोलिक स्ट्रट्स की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और पावरफुल ये गाड़ी तो बहुत ज़्यादा ही। प्लस जो इंजन एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा हमें क्लीन देखने को मिलता है, कोई ज़्यादा मेसी नहीं है। ऊपर जो एमजी ट्विन टर्बो लिखा हुआ है रेड कलर में, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आप इसको खोलते भी हैं तो कोई दिक्कत आपको मतलब अच्छा सा आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। इसको फ़िलहाल हम बंद करते हैं, बंद करने में हाइड्रोलिक वाले को हो गया। इसमें हमें फ्रंट में और रियर में दोनों ही जगह 6 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें ऑटो पार्क हमें देखने को मिल जाता है, ताकि अगर आप एक बटन दबाएंगे तो गाड़ी जो है वो अपने आप को पार्क कर लेगी। तो इसमें जो हमें 225/55 R19 के टायर देखने को मिलते हैं, यानी कि 19 इंच के अलॉय व्हील्स, 55 की इसकी प्रोफाइल और 225 इसकी विड्थ है, जो एक काफ़ी ज़्यादा मोटा टायर इसमें देखने को मिलता है हमें। और यहाँ पे हमें ब्रिट डायनेमिक लिखा हुआ है, जो कि ये बताना चाहते हैं कि ये ब्रिटिश एक एमजी जो है एक ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन सच्चाई जो है वो हम सब जानते हैं कि एक चाइनीज़ कंपनी इसको ओन करती है। और यहाँ पे हल्का सा और ब्रश एल्यूमिनियम वगैरह लगाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ये ORVM काफ़ी ज़्यादा हमें बड़े साइज़ का इसमें देखने को मिलता है। ये पूरी की पूरी जो है, ओके, ये पूरी एक एलईडी स्ट्रिप नहीं है, यहाँ पे एक सिंपल एक एलईडी बल्ब है जो कि पूरे में यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट करता है। ORVM काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो कि आपको हेल्प करने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे देखने में। यहाँ पे नीचे जो है आपको चढ़ने के लिए देखने को मिल जाती है ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, और क्योंकि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा ऊपर है कि आपको प्रॉब्लम होगी ऑफकोर्स चढ़ने में। यहाँ पर जो है ये क्रोम कलर में हमें हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे क्रोम कलर में ही जो है हमें रिक्वेंसी सिस्टम देखने को मिलता है, और दोनों ही साइड पैसेंजर और को पैसेंजर दोनों ही साइड हमें ये देखने को यहाँ पे मिलता है। अब ये थोड़ा सा जो है ये हो रहा है, तो थोड़ा सा मतलब फिट एंड फिनिश में थोड़ी सी जो है वो मेरे को दिक्कत यहाँ पे लगी। पीछे वाला टायर भी ऑफकोर्स यहाँ पे हमें सेम ही देखने वाला है। प्लस जो गाड़ी है, एक बार आप वाइड एंगल में इसको देखिए, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पे बड़ी देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट 5 mm कह रहा हूँ, सॉरी 5 मीटर्स की जो है हमें यहाँ पे गाड़ी मिलती है। अगर मैं अपने साइज़ से कंपेयर करूँ तो मैं तो वैसे भी बहुत छोटा ही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी गाड़ी है। अगर मैं पूरी पूरी इसमें बताऊँ तो 4985 mm जो है हमें इसकी लेंथ देखने को मिलती है, और टॉल भी बहुत ज़्यादा है। और व्हील बेस की अगर हम लोग बात करें, व्हील बेस इज़ एज लॉन्ग एज 3 मीटर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा एस्टोनिशिंग और अच्छी बात है। और हम जल्दी से चलते हैं इसके रियर साइड पर, रियर साइड देखते हैं।
अब बात कर लीजिए गाड़ी के रियर सेक्शंस की, तो काफ़ी बड़ा सा रियर साइड देखने को मिल ही जाती है। अगर ऊपर बात करूँ तो वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का एंटीना देखने को नहीं मिलता, पर ऑफ कोर्स है उधर एंटीना। अगर मैं इधर आऊँ तो यहाँ पे आपको स्पॉइलर देख सकते हैं, इसके इसी में आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप देख सकते हैं। जस्ट नीचे आपको यहाँ डिफॉगर लाइंस, रियर वाइपर्स देखने को मिल जाता है। अगर इधर बात करूँ तो यहाँ आपको एक LED सेटअप में आपको रियर लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। एक चीज़ जो छूट गई थी, अगर इधर आऊँ तो यहाँ आपको आपको जो फ्यूल लेड है वो आपको इस तरफ देखने को मिल जाती है। वापस ये सेक्शन में बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 4WD ADAS की बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ग्लॉस्टर की बैजिंग और वहाँ पे इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इंटरनेट इनसाइड वो भी इसलिए क्योंकि इसमें एक eSIM का सपोर्ट है, आपको अंदर eSIM आप इंस्टॉल करा सकते हैं, जिससे आपको जैसे सारी MG की गाड़ियों में होता ही है। इधर देखें तो यहाँ पे आपको MG के लोगो उसकी बैजिंग देखने को मिल जाती है। नीचे बात करें तो यहाँ आपको रियर पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं और आपको रियर पार्किंग कैमरा इस तरफ यहाँ देखने को मिल जाता है। सेम नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल टिक एग्जॉस्ट देखने को मिलता है जो कि डिवाइडेड है और आगे दो में, तो ये ओवरऑल दिखने में आपको चार एग्जॉस्ट टिप्स देखने को मिल जाती हैं। अगर इसके बाद बात करें गाड़ी टेल गेट की तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट देखने को मिल जाता है विद लेग स्वाइप। अगर मैं लेग स्वाइप करता हूँ तो गाड़ी का टेल गेट खुल जाता है। अब आगे बात करी जाए तो ये जैसे कि ये 7-सीटर है, अभी ये 2 सीट्स हमने बंद कर रखी है। काफ़ी स्पेशियस बूट है। यहाँ आपको एक लाइट यहाँ और हुक देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक पावर सॉकेट देखने को मिल जाता है। इसको बंद करी जाए तो यहाँ पे एक अपार्टमेंट देखने को मिल जाता है जिसमें आपके टूल्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल ही जाते हैं। अगर मैं इसको बंद करूँ तो यहाँ पे सेम इस बटन से बंद भी हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन देखने को मिल जाता है जिससे आप बूट को अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं चाबी की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल सी एक की है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, गाड़ी को लॉक करने का, अनलॉक करने का और बूट खोलने का। और इसी को लॉन्ग प्रेस करूँ अगर मैं तो, अगर मैं अनलॉक करके, तो आप चाबी से भी बूट को खोल सकते हैं। अगर मैं बंद कर दूँ तो काफ़ी एक सबटल सा बंद होने का स्टाइप फॉर्मेट है। इसके बाद दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो आपको इस बटन में, इस की में एक ऑप्शन ये भी देखने को मिल जाता है, अगर आप लॉक अनलॉक के बटन को ज़्यादा देर दबा के रखते हैं तो आपकी चारों विंडो रोल डाउन और रोल अप भी हो सकती हैं। अगर मैं इस लॉक बटन अनलॉक बटन को थोड़ी देर दबा के रखूँ तो आप देख सकते हैं। अब सेम अगर वही लॉक बटन दबा के रखूं तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर्स में। बात करें जाए सीधा अगर स्टीयरिंग की तो यहाँ पे आपको लेदर फिनिश में फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है बहुत सारे कंट्रोल्स के साथ। और जो मुझे आज पता चला, एक तो ये बटन के बारे में मुझे आज ही पता चला, हमने 2-3 गाड़ियाँ रिव्यू करी है बट स्टिल ये बटन के बारे में आज पता चला कि अगर हम इस बटन को दबाएंगे तो कस्टमर केयर पे कॉल लगता है और आपको गाड़ी के बारे में कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो तो वो वहाँ से आपको गाइड करते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और काफ़ी क्विक भी है, मतलब अगर मैं दबाऊंगा तो लगभग 10 से 15 सेकंड में कॉल आ भी जाएगी। तो अगर आगे बात करें यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, साथ ही आप यहाँ से इनको सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप MID को सेट वगैरह कर सकते हैं। इस तरफ देखें तो आपको यहाँ से आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे कॉल उठाना, कट करना, वॉल्यूम अप डाउन, और यहाँ से आपको अपना वॉइस असिस्टेंट खोल सकते हैं जो कि MG का है, MG करके भी खुलता है। आगे बात करें जाए अगर MID की, अच्छा उससे पहले आपको बता दूँ ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों में ही आ जाती हैं। इस तरफ देखें तो यहाँ आपको पेडल शिफ्टर्स देखने को मिल जाते हैं दोनों तरफ, यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं और दूसरी तरफ आपको लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद पीछे अगर हम MID की बात करें, आपको अगर देखें ओके यहाँ ऐसा है, लेफ्ट साइड पे आपको स्पीडोमीटर और राइट साइड को आपको RPM मीटर देखने को मिल जाता है। अगर बताऊँ बीच में MID में काफ़ी बड़ी MID है, एडिशनल MID में देखने को मिल जाती है। अगर चेंज करूँ मैं इधर
तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके अगर आप देख सकते हैं तो अब हम हमें यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटर देख सकते हैं। राइट साइड पे बात करूँ तो आपको इंजन का टेम्परेचर देख सकते हैं और लेफ्ट साइड पे आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ बात करें तो आपको बाहर का टेम्परेचर देखने को मिल जाता है जो कि 32 डिग्री सेल्सियस है। देहरादून में ये एक हिल स्टेशन है, अब मानना मुश्किल है, बट हाँ 32 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाता है। अगर लेफ्ट साइड पे बात करें तो यहाँ पे आपको किलोमीटर्स ड्रिवन दिखाता है और बीच में आपको टाइम देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको कुछ इंडिकेशंस देखने को मिल जा रही हैं पार्किंग ब्रेक और बैटरी की। इसके बाद अगर बात करी जाए इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है वो इम्प्रेसिंग लगा और बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा है। ये इसका जो है बेसिकली होम है, मतलब ये पूरा इसका होम सिस्टम है। यहाँ पे आपको वेदर और ये दिख रहा है कि टेम्परेचर यहाँ पे 35 दिखा रहा है, वहाँ पे 32 दिखा रहा है, तो इतना जो है वो फ्लक्चुएशन थोड़ा सा दिख रहा है। यहाँ पे सनी दिखा रहा है, ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा सनी है और धूप तो इतनी ज़्यादा हो रखी है, आते आते जो है वो पैरों में लग रही थी, चटके लग रहे थे। चंद्रवनी ग्रैंड जो है जिस जगह पे ऑफकोर्स आपका एम जी का शोरूम यहाँ पे लोकेटेड है वो वहाँ की लोकेशन दिखा रहा है। यहाँ से आप नेविगेशन वगैरह अपना ऑन कर सकते हैं आराम से और थोड़ा सा इसको जो है वो टाइम लगता है। ऑफ कोर्स आपको ईसिम वगैरह जो है इसमें देखने को मिल जाए। ये आपका पूरा जो है यहाँ पे पूरा दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैप वगैरह काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छा लग रहा है। ये बटन अगर हम दबाएंगे तो वापसी हम होम पे चल जाएंगे। अब ये बटन जो है वो ब्लैक में है, ये मैंने अभी अभी बिल्कुल नोटिस किया जब मैं ये समझाने स्टार्ट करने वाला था, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा अगर ये कुछ वाइट आउटलाइनिंग्स पे कर जाती या फिर किसी और कलर में दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पे जो है वो म्यूज़िक के सारा कंट्रोल, म्यूज़िक का कंट्रोल है। यहाँ पे हमारे अभी भुवन बाम जो कि बहुत ही सिंगर कॉमेडियन वगैरह सब कुछ, उनका गाना हम आगे चल के आपको सुनाएंगे ज़रूर। यहाँ पे आपको रेडियो का ऑप्शन देखने वाला है। ये आपका जो एसी कंट्रोल है, मुझे एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि एसी के सिस्टम जैसे आपको हीटर वगैरह में है कि इसी में ही आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में ही आपको एसी का कंट्रोल देखने को मिलते हैं। आई एम नॉट श्योर कि उसमें एसी में, मतलब बहुत सारी गाड़ियों में मैंने ऐसा देखा है कि एसी के जो कंट्रोल्स हैं वो सिर्फ आपको एसी में दिए जाते हैं, आपको फिजिकल फीचर्स नहीं दिए जाते, तो इसमें जो है वो यहाँ भी है प्लस यहाँ भी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और एक बार मैं अगर इसको चला ऑन करके दिखा दूँ यहीं से तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, मतलब जो जिन लोगों ने करा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे जो है बाकी सारी चीज़ें हैं आपके पास, यूएसबी से कनेक्ट करके आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब चालू कर सकते हैं। गाना के डेडिकेटेड यहाँ पे हमें ऐप ऑफ कोर्स देखने को मिलता है हर एमजी की गाड़ी में। यहाँ पे अगर हम 360 पे जाएंगे तो हमें पूरा का पूरा जो है कैमरा वगैरह देखने को मिल जाएगा। कैमरा की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे, बिल्कुल भी ज़्यादा, मैं सच बात बोलूँ, और कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए ज़रूरी है। ZS-CV का काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैमरा, पर इसका ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पे अगर आप 3D पे क्लिक करते हैं तो ये आपको पूरा का पूरा जो है वो 3D आपको व्यू देने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको ये पूरा का पूरा देखने वाला है। यहाँ से लोग वगैरह भी जाएंगे तो आपको देखने को मिलता है। अगर हम अभी वापस यहाँ पे आ चुके हैं, उसके बाद अगर हम म्यूज़िक पे जाएं तो आप म्यूज़िक वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं कनेक्ट वगैरह करके। कार पे अगर हम रुक जाएं तो यहाँ पे बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। लैंप पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे फाइंड माई कार में फ्लैशिंग एंड हॉकिंग हो सकती है फाइंड माई कार से, फॉलो मी होम लाइट्स वगैरह है, लॉक करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। रियर व्यू में सीट क्या है, सनरूफ के लिए कि सनरूफ जो है एक बटन से पूरी खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए, एम्बिएंट लाइट के आपके पास ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ऑटो ऑफ और ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कलर्स सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं, मेरे ख्याल 64 कलर्स इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं और ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे जो है वो जलती है। टायर प्रेशर मॉनिटर हमें इसमें देखने को मिलता है, टायर का हमें प्रेशर दिखता है लेकिन हमें टेम्परेचर इसमें देखने को नहीं मिलता। ATS पे अगर हम जाएं तो ऑफ कोर्स जो है ये हमारा बाकी इफेक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, लेन डिपार्चर वार्निंग है, ब्लाइंड जोन डिटेक्शन, पार्किंग डिस्टेंस कंट्रोल, फटीग रिमाइंडर कि अगर आपको नींद वगैरह आ रही है तो उसमें जो है वो आपको अलर्ट कर देगा गाड़ी को अगर सेंस हुआ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। यहाँ से लॉक हो जाती है, आप टच करेंगे तो वो हो जाएगा। ऑफ कोर्स आपको हेलो MG वगैरह सारी चीज़ें मिलते हैं, हम टेस्ट भी कराते हैं। हेलो MG, हेलो MG, ओपन सनरूफ। तो ओपन सनरूफ पे तो जो है ये पूरा का पूरा आपको ऑफकोर्स मिलेगा, चाहे आप किसी भी थोड़ा कम भाषा में भी बोलेंगे तो आपको देखने को मिल ही जाएगा ओपन सनरूफ वाला चीज़। अभी फिलहाल हम इसको दोबारा से यहाँ से बंद कर गए, बात अब जब यहाँ पे आए गए हैं तो यहाँ पे जो है सनरूफ के अलग से कंट्रोल है प्लस जो ब्लाइंड्स उसके अलग से हमें कंट्रोल देखने को मिलते हैं। सनरूफ जो है हम ये प्रेस करेंगे तो एक बार प्रेस करने पे जो ओपन एंड क्लोज वगैरह हो जाती है, चारों ही जो विंडोज़ है वो हमें ऑटो रोल अप ऑटो रोल डाउन देखने को मिलती है, क्योंकि 41 लाख रुपीज़ ये कार कॉस्ट करती है टॉप मॉडल इसका, तो मेरे ख्याल से ये देना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात ही। ऑटो डिमिंग मिरर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, जो रियर व्यू मिरर है IRVM है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे बड़े साइज़ का है। प्लस अगर हम बात करें इसके वैनिटी शेड वगैरह के बारे में तो यहाँ पे हमें वैनिटी मिरर देखने को मिलता है, प्लस
बाल अभी थोड़े से बिगड़ गए हैं, तो यहाँ पे हमें लाइट्स देखने को मिलती है, हैलोजन लाइट्स है मेरे ख्याल से। मेरा मानना यह है कि जब आप इतनी महंगी एक गाड़ी बना रहे हैं तो आपको जो है वो पूरी गाड़ी में LED ही देना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एक्सटेंड ऑफ कोर्स नहीं होता है, तो एक्सटेंड भी होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पे रहती LED लाइट्स। बाकी आपको जो है रीडिंग लैंप्स जो है वो सारी LED देखने को मिलने वाली है, चाहे वो पीछे चाहे वो आगे हो। एयरबैग्स जो है यहाँ पे हमें यहाँ पे एयरबैग की वो देखने को मिलती है, बैजिंग मिलती है, पीछे वगैरह देखने को मिलती है। यहाँ पे पूरा का पूरा लेदर वगैरह के बारे में, लेदर की हमें मटेरियल जो है वो लेदर यूज़ किया गया है, हार्ड प्लास्टिक वगैरह की जगह, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और ये जो पूरा इंटीरियर है पूरा आपको एक BMW वाली फीलिंग देता है कि आप एक BMW के अंदर बैठे, पर ऑफ कोर्स BMW के अंदर नहीं बैठे। बाकी अगर हम इस कंसोल के बारे में बात करें तो वो गोबो बताएंगे आपको। अब अगर बात करी जाए इस तरफ गियर कंसोल की तरफ बात करी जाए, तो इससे ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको एक कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है जिसमें आप चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सॉकेट देखने को 12 वोल्ट सॉकेट देखने को मिल जाता है, और राइट साइड पे USB चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप बीच में बात करें तो यहाँ पे आपको ये कंपार्टमेंट मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग के लिए। इसके जस्ट पीछे आ जाऊँ तो यहाँ पे आपको ये गियर लीवर देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर आप देख सकते हैं इस साइड पे आपको काफ़ी सारे कंट्रोल, अलग अलग चीज़ों के लिए कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको हीटेड सीट, कूल्ड सीट, इन सब के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बीच में बात करें अगर इस गियर लेवल के बारे में, तो ये काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक सा लगता है, एक काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सी फील आती है। हालांकि मतलब एक छोटा सा मतलब प्यारा सा है अगर उसकी बात करी जाए, क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है एक एरोप्लेन के कॉकपिट से। ये अभिनव खेल रहा है बेफालतू की चीज़ों से, बट अगर बात करें जाए तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पार्किंग गियर, उसके जस्ट बाद रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और मैनुअल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके पीछे आ जाए तो यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको टेरेन मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक चीज़ जो मैं इसमें बताना चाहूँगा, वो मैंने ये नोटिस करी कि जो इसमें पार्किंग ब्रेक है वो हमें, जैसे हमने पहले भी एक गाड़ी थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें भी हमने ये चीज़ नोटिस की थी, पार्किंग ब्रेक अगर हम अप्लाई या एंगेज या डिसएंगेज जब भी करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लाइट जलनी चाहिए पार्किंग ब्रेक की, लेकिन वो यहाँ पे ना जल के हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन आता है कि पार्किंग ब्रेक एंगेज है या डिसएंगेज है, जो कि मेरे ख्याल से अगर डायरेक्ट यहीं पे, यहाँ पे और वहाँ पे दोनों जगह होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी जो है वो गोवा की बात करेंगे। इसके बाद अगर जैसे कि हम इसकी बात कर रहे हैं टेरेन मोड्स के बारे में, तो हमें इसका इंडिकेशन यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम में प्लस यहाँ MID में देखने को, दोनों जगह देखने को मिल ही जाता है। इसके बाद बात करूँ तो यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके जस्ट पीछे यहाँ आपको एक स्प्लिटेड हैंडरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छे साइज का है। इसके जस्ट बाद बात करूँ तो अगर हम इस कंपार्टमेंट को खोलें तो ये काफ़ी बड़ा कंपार्टमेंट है, अगर आप देख सकते हैं तो मतलब अभिनव के हाथ के मतलब एक फिंगर टिप से कोहनी तक तो आराम से आ ही रहा है, इतना ज़्यादा डीप है ये, तो आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब ज़्यादा डीप है, आप आराम से इसमें बहुत सारी चीज़ें लग सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ये किस चीज़ का बटन, ये किस चीज़ का है ये मुझे अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई वो भी नहीं, कोई बटन सा है इसमें, अगर आप देख सके या कोई कमेंट में बता सके कि ये चीज़ क्या है तो प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। अब बात करी जाए म्यूज़िक सिस्टम के बारे में, तो एक गाना प्ले करके देख लेते हैं। आवाज़ आपने भी सुनी, एक चीज़ जो कि ऑफ कोर्स एक प्रीमियम कार है तो फुल वॉल्यूम में भी आवाज़ ऐसी नहीं होती कि ऐसा लग रहा है कि डिस्टॉर्ड हो रही है, बट मतलब एक बिल्कुल एक सुनने का एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था। लाउड थी काफ़ी एक मतलब आपने देखा जब स्लाइडर हाफ पे भी था तब भी जो दूसरी गाड़ियों का फुल होता है उससे ज़्यादा लाउड थी, बट हाँ एक ये फील आ जाती है कि काफ़ी एक प्रीमियम कार है, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प और बहुत ही प्यारी सी एक साउंड देखने को मिली, जो कि मतलब अभी तक जो भी हमने कार रिव्यू करी सबसे अच्छी साउंड मेरे ख्याल से इसी की हमें देखने को मिली, क्योंकि वो आप क्या कहेंगे, सफारी से कंपेयर कर सकते हैं बट हाँ बहुत ही अच्छी वो हमें मिली इसमें। और स्पेस के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो पहले तो यार ये AC ऑन करें क्योंकि ये गर्मी मार रही है हमें, अरे ऑन नहीं हो रहा दादा, हो गया
ओके ऑफ। इसे भी प्यार चाहिए, प्यार ना दो तो परेशान रहती है, मैं करती नहीं। ओके तो अगर स्पेस के बारे में बात करें तो ये एक ग्लोव बॉक्स है, मैं सीट, अच्छा इसमें जो हमारे को ड्राइवर और को पैसेंजर सीट है वो दोनों ही हमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग मिलती है। जो ये वाली सीट है वो हमें ऊपर नहीं कर सकते, हाइट एडजस्टेबल नहीं है, सिर्फ जो है आप आगे पीछे कर सकते हैं और इसको पीछे ऐसे लो कर सकते हैं। प्लस इसमें लंबर सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। आगे अभी अमीर जो है वो मसाज का ही बताएंगे, मसाज दोनों लेके हम बताएंगे कि मसाज जो है वो कैसी इसमें हमें मिलती है। साथ ही एक और चीज़, जो ड्राइवर सीट है उसमें हमें मेमोरी सीट का भी ऑप्शन देखने को मिली, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ग्लोबॉक्स जो है वो छोटा है, बड़ा नहीं है, ना ही कूल्ड है, ना ही इल्यूमिनेटेड है, फर्स्ट एड किट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ग्लोबॉक्स जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर साइड पर है। अब इसको अगर मैं एक बार आगे कर दूँ तो अगर कोई आपके घर में छोटा बच्चा, उसके हाथ पे अगर ये लग गया खेलने का, तो वो पूरे समय आगे पीछे करते रहेगा और आपकी गाड़ी की ऐसी तैसी मारते रहेगा। लेकिन स्पेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैंने अपने हिसाब से ऑप्टिमम लेवल पे इसको सेट कर रखा है। और पीछे अगर मैं इसके बात करूँ तो ये भी इस पोजीशन पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लंबा सपोर्ट भी मैंने पहले से ही अपनी साइड पर रखा है। ये जो हैंडल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गाड़ी की हाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो ये इस हैंडल को पकड़ के आप आराम से चढ़ सकते हैं। ड्राइवर साइड पे हमें देखने को नहीं मिलता, बाकी हर जगह हमें देखने को ऑफकोर्स की बात है मिल ही जाता है। बाकी ये एसी वेंट्स है हमारे, एसी वेंट जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही एलिगेंटली प्लेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला एक BMW वाली फील आती है इसके अंदर बैठ के, तो वो जो है हर एक चीज़ जो है वो BMW आपको फील देती है। तो चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा बहुत बुरी एक्टिंग के लिए, लेकिन सच बताऊँ तो मसाज फीचर जो है वो बेसिकली कैसे काम करते हैं कि जो आपका लंबर सपोर्ट का सारा है उसी को वो आगे पीछे ऊपर नीचे कर करके जो है वो मसाज आपको देते रहता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्लस अगर आप इसके साथ जो है वो अपने कूल्ड सीट भी ऑन कर लेंगे, जो कि आपको सिर्फ ड्राइवर सीट पर मिलती है, तो आपको जो है एक अलग ही लुफ्त मिलेगा। और मैं बोलूँगा कि प्लीज़ इसे जो है आप चलाते हुए जब आप गाड़ी चला रहे हैं उस समय ऑन मत कीजिए, क्योंकि मैं तो नकली तरीके से सोया था, लेकिन आप असली में जो सोएंगे, क्योंकि ये पीठ पे बहुत अच्छी तरीके से जो है वो पंच करता है, बहुत मज़ा आता है। और अब हम चलते हैं रियर साइड पे, और बटन जो है वो इसका ये है, ये इसका बटन है, इसको ऑफ, मैं मेरा मन तो नहीं करने का, लेकिन पीछे जाने के लिए शूट करना है तो करना ही पड़ेगा, तो इसे बंद कर देते हैं। और ये जो आप MG का एक देख रहे हैं, तो ये जो है आपका, चाहे आप जो चारों के चारों डोर्स हैं वहीं पे अब नीचे फ्लोरिंग में लगा हुआ है, और चारों ही जगह ये जो है एल्यूमिनेटेड हमें देखने को मिलता है। और अब हम चलते हैं रियर सेक्शन में। तो ग्लॉस्टर की रियर सीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, ऑफ़ कोर्स क्योंकि एक फुल साइज SUV है, तो इम्प्रेसिव होने का तो बनता ही है बात। इसमें आपको आप ये पीछे भी, मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जोर से ये लगा मुझे। लेकिन कोई नहीं, आप लोगों के लिए इतना सहना पड़ता है। ये एक लीवर है जिससे आप जो है इसको आगे पीछे कर सकते हैं, पीछे वाले के लिए जगह बनाने के लिए। और अगर मैं इसे अपने हिसाब से सेट करूं तो ये पोजीशनिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, आगे वाली सीट भी मेरे हिसाब से सेट हो रखी है, ये वाली सीट भी मेरे हिसाब से सेट हो रखी है, और काफ़ी ज़्यादा जो है हमें लेग रूम, नी रूम स्पेस देखने को मिल जाता है। जो अंदर था सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसमें, जो एडजस्टेबल इसका हेडरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें इसमें देखने को मिल जाता है। आप इसको जो है इसका ये आपका सर जो है ताकि कॉम्पैक्ट रहे, आप सोते हुए जो है इसको आराम से रखें, तो MG ने इसे ऐसे भी कराया कि आप इसे ऐसे आराम से करके अपने सर को बिल्कुल ऐसे रख सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो है वो बटन भी देखने को मिलता है ताकि इसको जो है हम आगे पीछे कर सके, ये आपको वैसे ही मिलता है, ये ऐसे आप कर सकते हैं इसको आराम से। और जो इसका ये है हैंडरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें जो हमारा वो मिलता है ग्लास होल्डर, मैं जो आपका ये इसको मैं ऊपर कर दूँ, तो ये हमारे कप होल्डर्स वगैरह हमें इसमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये यहाँ पर ऐसे बंद होते हैं, आपने सिर्फ प्रेस करना है और ये
ऐसे करके हमारा ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ भी और कंपार्टमेंट आपको दिया गया है कुछ सामान रखने के लिए, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा ये जो है ये इसकी सेकंड रो जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। अगर हम यहाँ के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे हमें एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है 120 वाट्स का, और एक हमें जो है ये USB सॉकेट देखने को मिलता है ताकि आप आराम से अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकें। उसके बाद यहाँ पे हमें इस पूरी क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है पीछे के लिए। यहाँ से आप फैन स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर लो डाउन कर सकते हैं, मोड ऑटो वगैरह ऑफ वगैरह आपको करना है वो सब आप आराम से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। स्कूप डाउन सीट्स में देखने को नहीं मिलती ऑफकोर्स, क्योंकि जो है आपको इतनी ज़्यादा स्पेस ऑन ऑफर देखने को मिल जाती है। अगर इसके बारे में बात करें तो लाइट्स वगैरह हमें पूरी LED, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रीडिंग लैंप्स है वो हमें LED देखने को मिलती है। अगर हम AC वेंट्स के बारे में बात करें तो AC वेंट्स जो हमें यहाँ देखने को मिलता है यहाँ पे और वहाँ पे ऊपर, एयर बैग की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हैंडल देखने को मिलता है क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा ऊपर है, लेकिन मैं दिहाती हूँ तो मैं जो है वो ये हैंडल पकड़ के नहीं, मैं डायरेक्ट ऊपर आता हूँ, गोबर नहीं जाता मुझे टोका भी। सॉफ्ट टच में हमें ये देखने को नहीं मिलता क्योंकि एकदम पट करके ऊपर बंद हो जाता है। सनरूफ के बारे में बात करें तो सनरूफ इतनी ज़्यादा बड़ी है कि आप आराम से जो है पूरी राइड यहाँ पे आराम से ले सकते हैं। साथ ही में एक काम करते हैं थर्ड रो पे भी साथ ही में इसी वाले में लेके चलते हैं आपको, फालतू में कट करके फ़ायदा नहीं है। और मैंने अपने हिसाब से सेट करी है तो देखते हैं कि पीछे की जो सीट है वो कैसी होने वाली है। अब जो तरीका है जाने का, जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ वही इसका तरीका है। इसको हम ऊपर करते हैं और ये पीछे जा चुकी है। आहा ओके, इसको हम करते हैं ऊपर। ऊपर होने के बाद ओके, पीछे वाली सीट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन मेन दिक्कत यह है कि आपको जो है वो अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलता, पूरा का पूरा मिसिंग है, पूरा इट इज़ ज़ीरो। नी रूम स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 5'8" मेरी हाइट है, मैं इजीली यहाँ पे बैठ पा रहा हूँ। हेडरूम की अगर बात करूँ, हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 6 फुट का आदमी आराम से यहाँ पे बैठ सकता है। और पीछे वाली जो ये वाली सीट है ये आपको स्कूप डाउट मिल जाती है क्योंकि आपको नी रूम अच्छा चाहिए होता है, अंडर थाई सपोर्ट नहीं, लेकिन हाँ फिर भी आप अगर ऐसे बैठते हैं तो आप आराम से इसमें बैठी जा सकते हैं। मैं अगर पीछे बैठ रहा हूँ और आगे दो लोग भी हैं तो मैं अगर ऐसे ही बैठता हूँ तो आगे वाले दो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और आराम से यहाँ पे बैठ के जा सकता हूँ। ये पता नहीं किस चीज़ के लिए यहाँ पे लगाया गया डमी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे एक कप होल्डर है, यहाँ पे एक जो है वो USB सॉकेट है, इधर की साइड हमारे पास जो है वो एक चार्जिंग सॉकेट है, आप चार्जिंग यहाँ पे लगा सकते हैं अपना आराम से सॉकेट डाल के, कार चार्जर जो होता है। ये आपके पास एक हुक वगैरह देखने को मिलता है, आपको कुछ भी चीज़ अटकानी है तो यहाँ पे अटका सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो एक और कप होल्डर देखने को मिल जाता है। और यही था बाकी जो हमें सीट बेल्ट है वो हमें 3-pointer सीट बेल्ट देखने को मिल जाती है यहाँ पे, और पीछे भी जो है वो आराम से 3 बंदे यहाँ पे आराम से बैठने वाले हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट MG क्लस्टर 2021 टॉप वेरियंट, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा MG देहरादून को जिसने हमारी हेल्प करी इस बड़ी सी ब्यूटीफुल गाड़ी को आप तक पहुँचाने में। और साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। शोरूम के बारे में डिटेल और डिस्क्रिप्शन, शोरूम के बारे में काफ़ी डिटेल यहाँ का एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल ही जाएगा। अगर आपको MG की कोई भी गाड़ी देखनी है या फिर टेस्ट ड्राइव वगैरह देनी है तो आप यहाँ आके ज़रूर देख सकते हैं। सो बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, नहीं पसंद तो डिसलाइक करें। वीडियो के बारे में जो भी आपका क्रिटिसिज्म सजेशन या कुछ भी है या गाड़ी से रिलेटेड आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे कर दीजिए, एक बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पर दबा दीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी कैमरामैन गोवो के साथ अभिनव गर्ग साइनिंग ऑफ। खोल मान बटन का है।